मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है और अयोध्या में सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद अयोध्या मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी बीजेपी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। अयोध्या में सीएम संतों से मुलाकात करेंगे और बुधवार को सीएम योगी दिगंबर सरयू तट पर ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। बुधवार को अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के लिए रवाना होंगे। सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। उपचुनाव को लेकर हुई बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। अभी तक उपचुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव के लिए अपनी पूरी कमर कसनी शुरू कर दी है। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल कल स्पेशल 30 टीम के साथ एक बैठक की थी और उपचुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह क्लियर कर दिया है कि सभी 10 विधानसभा में जाकर लोगों से संवाद करना है और विकास का संदेश देना है। दूसरी तरफ चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया है, इसी को लेकर एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए एक्टिव हो चुकी है। मीटिंग मंथन का दौर चल रहा है और नजर उन 10 विधानसभा सीटों पर है जिस पर भगवा लहराने की रणनीति बन रही है। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की टीम तैयार की है। इन 30 मंत्रियों को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब सभी मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस टीम में दोनों डिप्टी सीएम को भी शामिल किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल 30 टीम का गठन उपचुनाव के लिहाज से किया है। इन स्पेशल 30 में 30 मंत्रियों की ड्यूटी उपचुनाव के लिए लगाई गई है। उपचुनाव की सभी 10 विधानसभा सीटों पर मंत्रियों की तैनाती हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस टीम के साथ बैठकें कर रहे हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव से सीख लेते हुए बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। यहां तक कि सीएम योगी जिस भी मंच से जनता के नाम संदेश देते हैं वो विकास के नाम होता है। विकास के जो कार्य होने, सड़क के साथ साथ बिजली देने का कार्य या अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के हुए हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, आने वाले समय में कहीं कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग आपकी समस्या के समाधान के लिए, जनपद के विकास के लिए, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के साथ ये डबल इंजन की सरकार खड़ी होकर के आपके हितों का समर्थन करेगी। तो दूसरी तरफ उपचुनाव से पहले अयोध्या गैंगरेप कांड में घिरी समाजवादी पार्टी अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव अयोध्या की घटना को उपचुनाव से जोड़ रहे हैं और लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। यानी एक तरफ जहां सीएम योगी का फोकस विकास पर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक की सियासत में व्यस्त हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अपने लोकसभा की जीत के मोमेंट को बनाए रखना चाहेंगे। खैर, इन सब से हटकर सीएम योगी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग में सबकी जिम्मेदारी तय कर चुके हैं, ताकि उपचुनाव के रास्ते 2027 की रूपरेखा तैयार की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
अयोध्या गैंगरेप पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए सोमवार को लखनऊ लाया गया और लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अयोध्या रेप पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर विशेषज्ञों की टीम इलाज कर रही है। बांग्लादेश के हालात को लेकर पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक हुई। पीएम मोदी को हालात की जानकारी दी गई और इस बैठक में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हुए।